हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीडीटीआर प्रॉपर्टी व्लॉग्स। मैं दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से आपको लेकर पहुंच चुका हूं ट्विन कोर्सेज पर, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3BHK डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इस फ्लैट को इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें तो इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का 2BHK का यूनिट मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसका आप लिंक देख सकते हैं आई बटन में। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की तो यहाँ पर तो कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्हीं का जो दूसरा प्रोजेक्ट है ट्विन सेलेस्टियल, वहाँ पर आपको ये सारी यूनिट्स देखने को मिलती हैं। वहाँ पर आपको 2BHK, 3BHK, 3BHK डुप्लेक्स विद टेरेस, 4BHK डुप्लेक्स विद टेरेस के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का 2BHK का यूनिट मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसका कि लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते बढ़ते हैं फ्लैट की तरफ। सो गाइस, आइए चलते हैं फ्लैट की तरफ। आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस डोर है, 8 फीट हाइट का ये डोर रहने वाला है। सो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं 3BHK के डुप्लेक्स के अंदर। अगर हम आप देखें तो यहाँ पर आपको ये ड्राइंग रूम देखने को मिलता है, काफी स्पेशियस ये ड्राइंग रूम है। इस ड्राइंग रूम के साथ आपको ओपन किचन का प्रोविजन देखने को मिलता है। यहां पर आपको अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स बनाकर दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको यहां पर चिमनी के लिए भी प्रोविजन देखने को मिलता है। सिंक फिटिंग आपको एज इट इज कर दी जाएगी। साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक छोटा सा गीजर भी प्लेस कर सकते हैं, और आपको एक छोटी सी शाफ्ट भी देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा वेंटिलेशन भी देखने को मिल जाता है। ड्रॉइंग रूम से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है फर्स्ट बेडरूम। काफी स्पेशियस ये बेडरूम है। इसके साथ भी आपको एक अटैच्ड बालकनी देखने को मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट वाइड ये बालकनी है। साथ ही साथ इस रूम में आपको एक अलमीरा बनाकर दी जा रही है। काफी स्पेशियस ये कबर्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस रूम में आपको फॉल सीलिंग कर दी जा रही है। सारे इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग आपको यहाँ पर कर दी जा रही है। इस पूरे फ्लैट के अंदर जो भी आपको फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स, वो आपको एज इट इज मिलने वाली है। इस रूम से जैसे हम बाहर आते हैं तो इसके जस्ट नेक्स्ट आपको सेकेंड बेडरूम देखने को मिलता है, जो कि एक मास्टर बेडरूम है। काफी स्पेशियस बेडरूम है। यहां पर आपको एक किंग साइज बेड प्लेस करने के बाद भी काफी मूवेबल एरिया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस रूम के साथ भी आपको एक अटैच्ड बालकनी देखने को मिलती है, और इस रूम के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारी सैनिटरी फिटिंग्स एज इट इज कर दी जाएंगी। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने एक अंदर से भी स्टेयर केस लगाई है, जिससे आप अपर फ्लोर पर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं थर्ड बेडरूम के अंदर। काफी स्पेशियस ये बेडरूम है। इसमें भी आपको एक कबर्ड बनाकर दी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक अटैच वॉशरूम देखने को मिलेगा। काफी बड़ा ये वॉशरूम है, आप देख सकते हैं। इस वॉशरूम में भी आपको सारी जो सैनिटरी फिटिंग्स है वो कर दी जाएंगी। सारी ब्रांडेड फिटिंग्स का बिल्डर ने यहाँ पर यूज किया है। तो गाइस, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस पर्टिकुलर यूनिट की सबसे खास जगह पर। तो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं इस पर्टिकुलर यूनिट की सबसे खास जगह पे, जो कि है इसका टेरेस। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस ये टेरेस है। अप्रॉक्सीमेटली 50 गज के आसपास की ये जगह होने वाली है। देखिए कितना स्पेशियस ये टेरेस है। आप इस टेरेस को मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर चाहें तो एक टेरेस गार्डन भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एज अ यूटिलिटी एरिया भी इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ गर्मियों के मौसम में आप शाम के टाइम यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सर्दियों में आप यहाँ पर धूप इंजॉय कर सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छी ये डील होने वाली है। अगर आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी विजिट यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। साथ ही साथ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके जो सब्सक्रिप्शन है उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है चैनल पर और नई वीडियोज़ बनाने के लिए। वो मुझे काफ़ी हद तक मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आपके लिए नए नए प्रोजेक्ट्स ला सकूँ। तो अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।